नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। केंद्र ने राज्यों से कहा है कि वे 18 वर्ष से अधिक की आयु के लोगों का टीकाकरण शुरू करने से पहले अतिरिक्त निजी टीकाकरण केंद्र स्थापित करें। भारत 14 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाकर सबसे तेज गति से कोरोना वैक्सीन लगाने वाला देश बन गया है। केंद्र ने सभी राज्यों के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन का आवंटन बढ़ा दिया है। दवा कंपनी भारत बायोटेक राज्य सरकारों को 600 रुपये और निजी अस्पतालों को 1200 रुपये में कोवैक्सीन टीका बेचेगा। जम्मू कश्मीर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के सभी लोगों को निःशुल्क कोविड टीका लगाया जाएगा। निर्वाचन आयोग पश्चिम बंगाल में कल विधानसभा चुनाव के 7वें चरण के लिए केंद्रीय बलों की 653 कंपनियां तैनात करेगा। महावीर जयंती आज देश भर में मनाई जा रही है और आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हराया। समाचार प्रभात में देवेंद्र त्रिपाठी के साथ मैं सिद्धार्थ सिंह। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 76वीं कड़ी होगी। इसका प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर होगा। साथ ही ये प्रसारण आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट www.newsonair.com और मोबाइल ऐप newsonair पर भी उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी इसका सीधा प्रसारण किया जाएगा। मन की बात कार्यक्रम के हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में इसका प्रसारण होगा। क्षेत्रीय भाषाओं में ये कार्यक्रम रात 8 बजे फिर सुना जा सकता है। केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 1 मई से शुरू हो रहे टीकाकरण के तीसरे दौर के लिए मिशन मोड में अतिरिक्त निजी टीकाकरण केंद्र पंजीकृत करने की सलाह दी है। केंद्र ने निजी अस्पतालों, औद्योगिक प्रतिष्ठान और उद्योग संघ के अस्पतालों की सेवा लेने को भी कहा है। राज्यों को नए आवेदन और लंबित पंजीकरण का काम निपटाने के लिए विशेष प्राधिकरण के साथ समन्वय करने की भी सलाह दी गई है। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण और कोविड 19 के लिए गठित प्रौद्योगिकी और डेटा प्रबंधन समूह के अध्यक्ष डॉ आरएस शर्मा ने कल एक उच्चस्तरीय बैठक में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीकाकरण के तीसरे दौर के संबंध में मार्गदर्शन किया। राज्यों से उन अस्पतालों की संख्या पर नजर रखने को कहा गया है जिन्होंने वैक्सीन की खरीद कर ली है और इसका भंडार और मूल्य कोविन ऐप पर घोषित कर दिया है। इन राज्यों से 18 से 45 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों के लिए केवल ऑनलाइन पंजीकरण सुविधा का प्रचार करने को भी कहा गया है। स्वास्थ्य सचिव ने मौजूदा अस्पतालों को और सुविधा संपन्न बनाने तथा कोविड रोगियों की उपचार व्यवस्था से संबंधित योजनाओं की भी समीक्षा की। घर में पृथकवास में रखे गए लोगों को टेली मेडिसिन सुविधा उपलब्ध कराने को भी कहा गया है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और अनुभवी चिकित्सकों की देखरेख में गहन चिकित्सा देखभाल सुनिश्चित करने का परामर्श दिया गया है। भारत सबसे तेज गति से कोरोना वैक्सीन लगाने वाला देश बन गया है। केवल 99 दिनों में 14 करोड़ कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। इसमें 92,89,000 स्वास्थ्यकर्मियों को वैक्सीन की पहली डोज और लगभग 60 लाख को दूसरी डोज दी गई है। 1,19,00,000 से अधिक अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को पहली डोज और 62 लाख से अधिक को दूसरी डोज मिल चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल रात 8 बजे तक 24,22,000 से अधिक लोगों को कोविड टीके लगाए जा चुके थे। इनमें से 15 लाख से अधिक ने पहली डोज और 8 लाख से अधिक लोगों ने वैक्सीन की दूसरी डोज ली है।
दवा कंपनी भारत बायोटेक ने राज्य सरकारों और निजी अस्पतालों के लिए कोवैक्सीन टीके के मूल्य की घोषणा की है। राज्य सरकारों के लिए इस टीके की कीमत 600 रूपये प्रति वैक्सीन रखी गई है, जबकि निजी अस्पतालों में ये 1200 रूपये का होगा। निर्यात के लिए कोवैक्सीन की कीमत 15 से $20 निर्धारित की गई है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश में ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ाने के उपायों की समीक्षा के लिए कल एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में बढ़ती मांग के बीच देश में मेडिकल ऑक्सीजन का उत्पादन और उपलब्धता बढ़ाने का महत्वपूर्ण फैसला किया गया। केंद्र ने मेडिकल ऑक्सीजन और अन्य संबंधित उपकरणों के आयात को बुनियादी सीमा शुल्क और स्वास्थ्य उपकर से पूरी छूट देने का निर्णय लिया है। इन उपकरणों में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, कैनिस्टर, फिलिंग सिस्टम्स, स्टोरेज टैंक, प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन और वैक्यूम प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन प्लांट, ऑक्सीजन के लिए क्रायोजेनिक रूट ट्रांसपोर्ट टैंक, वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन बनाने के अन्य उपकरण शामिल हैं। सरकार ने अगले 3 महीने तक कोविड वैक्सीन को बुनियादी आयात शुल्क से छूट देने का भी फैसला किया है। बैठक में श्री मोदी ने मेडिकल ऑक्सीजन और घर तथा अस्पतालों में रोगी देखभाल के लिए आवश्यक उपकरणों की आपूर्ति बढ़ाने की आवश्यकता पर भी बल दिया। प्रधानमंत्री ने सभी मंत्रालयों और विभागों को ऑक्सीजन और मेडिकल सप्लाई की उपलब्धता बढ़ाने के लिए तालमेल के साथ काम करने को कहा। केंद्र ने सभी राज्यों के लिए एंटीवायरल दवा रेमडेसिविर का आवंटन बढ़ा दिया है। महाराष्ट्र को रेमडेसिविर के अधिकतम 4,35,000 इंजेक्शन आवंटित किए गए हैं। गुजरात को 1,65,000, उत्तर प्रदेश को 1,61,000 और कर्नाटक को 1,72,022,000 इंजेक्शन दिए गए हैं। दिल्ली को 72,000, छत्तीसगढ़ को 75,000 और मध्य प्रदेश को 95,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन मिलेंगे। ये आवंटन इस महीने की 30 तारीख तक के लिए होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने कहा है कि केंद्र उपचार की मूलभूत सुविधाएं बढ़ाने के लिए संसाधनों के माध्यम से राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की हर संभव निरंतर सहायता कर रहा है। डॉ हर्षवर्धन ने कल नई दिल्ली में छतरपुर में सरदार पटेल कोविड उपचार केंद्र का दौरा किया। उन्होंने इस केंद्र को दोबारा शुरू किए जाने के कार्य का निरीक्षण किया। इस केंद्र में ऑक्सीजन युक्त 500 बिस्तरों की व्यवस्था की गई है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि दिल्ली में कोविड 19 के मामले में अभूतपूर्व वृद्धि से निपटने के लिए ये केंद्र मौजूदा उपचार सुविधाओं पर बोझ कम करने में मदद करेगा। स्वास्थ्य मंत्री को बताया गया कि अगले सप्ताह इस केंद्र में बिस्तरों की संख्या 1,000 की जाएगी और उसके बाद धीरे धीरे 2,000 बिस्तरों तक लाई जाएगी। छतरपुर कोविड केंद्र में पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिनमें जीवन रक्षक उपकरणों से युक्त एम्बुलेंस, एक्सरे, ऑक्सीजन सिलेंडर और पल्स ऑक्सीमीटर तथा अन्य उपकरण शामिल हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि वह राज्य के अस्पतालों में मरीजों के लिए ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक के बाद कहा कि बोकारो से ऑक्सीजन एक्सप्रेस पहुंच चुकी है और खाली ऑक्सीजन सिलेंडरों को दोबारा भरने के लिए वायुसेना के माध्यम से एयरलिफ्ट किया जा रहा है। राज्य सरकार मोदीनगर, काशीपुर और रुड़की में विभिन्न औद्योगिक संयंत्रों से भी अस्पतालों के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध करा रही है। उन्होंने अधिकारियों से बहराइच और फिरोजाबाद जैसे छोटे शहरों में अस्पतालों के लिए ऑक्सीजन देने का निर्देश दिया है। दूसरे शहरों में चिकित्सीय उपयोग के लिए ऑक्सीजन टैंकरों के माध्यम से ऑक्सीजन भेजी जा रही है और जीपीएस प्रणाली से इस पर निगरानी रखी जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि लखनऊ और वाराणसी में कोविड अस्पताल जल्द ही शुरू हो जाएंगे और उनमें सभी तरह की तैयारियां पूरी होने वाली हैं। बिहार में पिछले 2 दिनों में केंद्र से 130 मीट्रिक टन ऑक्सीजन पहुंची है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बताया कि ऑक्सीजन के उचित वितरण के लिए केंद्र सरकार बिहार को 4 ऑक्सीजन टैंकर देगी। उन्होंने बताया कि केंद्र ने राज्य को 40,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन दिए हैं। इस बीच राज्य में कोविड 19 संक्रमण में लगातार भारी वृद्धि हो रही है। कल बिहार में 12,359 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई, 123 लोगों की महामारी से मृत्यु हो गई। इसके साथ ही राज्य में कोविड से मरने वालों की संख्या 2087 हो गई है। संक्रमण की दर 12% हो गई है। राज्य में इस समय विभिन्न अस्पतालों में 81,960 लोगों का उपचार चल रहा है। राज्य में कोविड 19 की मौजूदा से उत्पन्न चुनौती का सामना करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के सभी जिलों में डॉक्टरों और अन्य चिकित्सा कर्मियों के सभी रिक्त पद भरने के आदेश दिए हैं।
मध्य प्रदेश में 14,700 पंचायतों ने स्वयं कार्रवाई करते हुए जनता कर्फ्यू लागू कर दिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि राज्य में ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह का लगातार समर्थन मिल रहा है। एक रिपोर्ट। प्रदेश में गांव वाले स्वप्रेरणा से कोरोना कर्फ्यू का क्रियान्वयन कर रहे हैं। पिछले दिनों प्रभावी रहे इस प्रयास से कई जिलों का पॉजिटिविटी रेट घटा है। पंच, सरपंच, आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, पंचायत सचिव, रोजगार सहायक मिलकर घर घर सर्वे कर रहे हैं। छिंदवाड़ा, खंडवा, बुरहानपुर में इस दिशा में हुए कार्य से संक्रमण की दर को नियंत्रित करने में सफलता मिली है। प्रदेश में अब प्रतिदिन संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। 19 अप्रैल को जहां 6,800 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए, वहीं 20 अप्रैल को 8,900 से अधिक, जबकि 21 अप्रैल और 22 अप्रैल को 9,000 से अधिक रोगी संक्रमण से स्वस्थ हुए हैं। 23 अप्रैल को 10,800 से अधिक कोरोना मरीज संक्रमण से स्वस्थ हुए, वहीं कल 11,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए हैं। पूजा पी वर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। छत्तीसगढ़ में कोविड संक्रमण पर रोक लगाने के प्रयासों के तहत राजधानी रायपुर सहित कई जिलों में लॉकडाउन की अवधि 5 मई तक बढ़ा दी गई है। इस समय राज्य के सभी 28 जिलों में पूर्ण लॉकडाउन है। इस बीच रेलवे कोविड मरीजों के इलाज के लिए विभिन्न राज्यों के लिए मेडिकल ऑक्सीजन की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। हाल ही में रेलवे ने महाराष्ट्र के अनेक शहरों में मेडिकल ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए विशाखापट्टनम से छत्तीसगढ़ होते हुए नासिक तक पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई। इस विशेष ट्रेन के माध्यम से लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन के टैंकरों को नागपुर और नासिक पहुंचाया गया। लिक्विड ऑक्सीजन की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए रेलवे को इसका परिवहन करने के लिए अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के साथ ही विशेष व्यवस्था करनी पड़ी। बहुत कम समय में रैंप बनाए गए, घाट, ब्रिज और टनल आदि विभिन्न बाधाओं पर विचार करते हुए पूरे मार्ग का खाका तैयार किया गया। साथ ही इन टैंकरों को कम से कम समय में महाराष्ट्र पहुंचाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर भी बनाया गया। इस पूरे ऑपरेशन की शीर्ष स्तर से निगरानी की गई। सड़क मार्ग की तुलना में रेल मार्ग से इन मेडिकल ऑक्सीजन टैंकरों को पहुंचाने में काफी कम समय लगा। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। ओडिशा सरकार द्वारा जरूरतमंद राज्यों को मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति का सिलसिला जारी है। ओडिशा पुलिस से मिली सूचना के अनुसार राउरकेला इस्पात संयंत्र तथा अन्य ऑक्सीजन उत्पादक संयंत्रों से पिछले 24 घंटों में दिल्ली और महाराष्ट्र समेत अनेक राज्यों को 37 टैंकरों से 510 टन मेडिकल ऑक्सीजन भेजी गई। ये टैंकर पुलिस की सुरक्षा में जरूरतमंद राज्यों में भेजे गए हैं। इस बीच ओडिशा में भी कोविड संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। राज्य में संक्रमितों की संख्या 4 लाख से ऊपर पहुंच गई है। मुंबई में सीरो सर्वेक्षण में 36% नमूनों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई है, जो इस बात का संकेत है कि शहर अब सामूहिक प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सर्वेक्षण के लिए 10,197 नमूने लिए गए, जिसमें से 36.30% में संक्रमण की पुष्टि हुई, यानी इनमें कोविड 19 से लड़ने वाले एंटीबॉडी अब विकसित होने लगे हैं। इस सेरो सर्वेक्षण में आश्चर्यजनक बात यह है कि गैर स्लम क्षेत्रों से सकारात्मक परीक्षण करने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि हुई है। यह तीसरा सेरो सर्वे है जिसमें गैर स्लम क्षेत्रों से 28.5% नमूनों का परीक्षण सकारात्मक हुआ है, जबकि पिछले साल जुलाई और अगस्त में किए गए दो सर्वेक्षणों में यह आंकड़ा 16% और 18% था। दूसरी ओर 41.6% सकारात्मकता के साथ झुग्गियों में रहने वालों का आंकड़ा गिरता हुआ दिख रहा है, जो पिछले दो सर्वेक्षणों में 57% और 45% था। इस बीच 35.02% पुरुष सकारात्मक पाए गए, जबकि महिलाओं में ये आंकड़ा 37.12 है। गौर करने वाली बात यह है कि यह सर्वेक्षण उन लोगों को लेके किया गया जिनका अभी तक टीकाकरण नहीं हुआ है। देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। गुजरात में कल 14,097 लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई। कल 6,479 मरीज स्वस्थ हुए और उन्हें विभिन्न अस्पतालों से छुट्टी दी गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
गुजरात में कोविड 19 संक्रमण के सबसे अधिक 5,617 नए मामले अहमदाबाद में सामने आए, जबकि सूरत में 2,321 नए मामले दर्ज किए गए। कल राज्य में 152 मरीजों की मृत्यु हो गई। इसके साथ ही राज्य में कोविड 19 से जान गंवाने वाले मरीजों की कुल संख्या 6,171 तक पहुंच गई है। राज्य में इस वक्त 1,07,594 सक्रिय मामले हैं, जिनमें से 396 मरीज वेंटिलेटर पर है। इस बीच गुजरात में कल 1,69,366 लोगों को कोविड 19 के खिलाफ टीके लगाए गए। इसके साथ ही राज्य में अब तक कुल 1,11,70,997 लोगों को टीके लगाए जा चुके हैं। इस बीच अहमदाबाद नगर निगम द्वारा संक्रमण के नए मामले सामने आने के बाद 9 और क्षेत्रों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन में शामिल किया गया है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। जम्मू कश्मीर में 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों को निःशुल्क कोविड टीका लगाया जाएगा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन वैक्सीन खरीद का खर्च वहन करेगा। उपराज्यपाल की अध्यक्षता में कल जम्मू में हुई बैठक में ये निर्णय लिया गया। श्री सिन्हा ने 1 मई से 18 वर्ष के ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन लगाने के फैसले के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को केंद्र शासित प्रदेश में वैक्सीन की समुचित खरीद और उपलब्धता बनाए रखने के लिए विशेष टीम गठित करने का निर्देश दिया। एक रिपोर्ट। कोविड मामलों में लगातार वृद्धि को ध्यान में रखते हुए मुख्य सचिव वीवीआर सुब्रमण्यम ने संबंधित अधिकारियों को आम जनता के बीच उचित कोविड व्यवहार बनाए रखने के साथ साथ परीक्षण और टीकाकरण की रणनीति को सख्ती से लागू करने को कहा है। श्री सुब्रमण्यम ने संबंधित जिला प्रशासनों को चिन्हित समूह में परीक्षण बढ़ाने और टीकाकरण को प्राथमिकता देने के लिए भी कहा है। इस बीच जम्मू कश्मीर प्रशासन ने ऑक्सीजन की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए प्रदेश में 36 ऑक्सीजन उत्पादन इकाइयों की स्थापना को भी मंजूरी दे दी है। आकाशवाणी समाचार के लिए नगर से मैं सुनील कोल। लद्दाख प्रशासन अपनी कोविड जांच सुविधाओं को मजबूत कर रहा है। केंद्र शासित प्रदेश ने लेह और करगिल जिले में मौजूदा 8 जांच सुविधा केंद्रों को मजबूत करने के लिए नई मशीनें खरीदी हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। इन प्रयोगशालाओं में प्रतिदिन 1,000 से अधिक नमूनों का परीक्षण किया जा रहा है, जो प्रभावी कोविड प्रबंधन के लिए WHO के परीक्षण मंत्र का सही मायने में अनुसरण कर रहा है। प्रशासन ने लद्दाख क्षेत्र भर में ब्लॉक स्तर पर कोविड 19 परीक्षण को विकेंद्रीकृत करने के लिए कार्ट्रिज बेस्ड न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन सुविधाओं की स्थापना के लिए लेवल 2 के 11 बायोसेफ्टी कैबिनेट्स की खरीदी की है। पूरी तरह से स्टेरिलाइजेशन करने के लिए प्रशासन ने 11 ऑटोक्लेव मशीनों की भी खरीदी की। CSIR प्रयोगशालाओं से परीक्षण सामग्री और उपकरणों को चिनूक हेलीकॉप्टर द्वारा चंडीगढ़ और जम्मू से शनिवार को ले लाए गए। उधर ले एयरपोर्ट पर सांसद जाम्यांग सेरिंग नमग्याल ने पंजीकरण नमूने और स्क्रीनिंग केबिन का उद्घाटन किया। आकाशवाणी समाचार के लिए ले से रमेश चंद्रा। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोविड के 24,000 से अधिक नए मामले सामने आए। इसके साथ ही राजधानी में संक्रमितों की संख्या 10 लाख से अधिक हो गई है। अब तक करीब 9 लाख कोविड रोगियों का उपचार किया जा चुका है। पिछले 24 घंटे में 22,000 से अधिक लोग उपचार के बाद स्वस्थ हुए। इसी दौरान इस महामारी से 357 लोगों की मृत्यु हुई। इस समय दिल्ली में 93,000 से अधिक रोगियों का इलाज चल रहा है। आगे बढ़ने से पहले एक नज़र मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। केंद्र ने राज्यों से कहा है कि वे 18 वर्ष से अधिक की आयु के लोगों का टीकाकरण शुरू करने से पहले अतिरिक्त निजी टीकाकरण केंद्र स्थापित करें। भारत 14 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाकर सबसे तेज गति से कोरोना वैक्सीन लगाने वाला देश बन गया है। केंद्र ने सभी राज्यों के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन का आवंटन बढ़ा दिया है। दवा कंपनी भारत बायोटेक राज्य सरकारों को 600 रूपये और निजी अस्पतालों को 1200 रूपये में कोवैक्सीन टीका बेचेगा। जम्मू कश्मीर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के सभी लोगों को निःशुल्क कोविड टीका लगाया जाएगा। निर्वाचन आयोग पश्चिम बंगाल में कल विधानसभा चुनाव के 7वें चरण के लिए केंद्रीय बलों की 653 कंपनियां तैनात करेगा। महावीर जयंती आज देशभर में मनाई जा रही है और आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हरा दिया है।
निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के सातवें चरण के लिए केंद्रीय बलों की 653 कंपनियां तैनात करने का फैसला किया है। इस चरण में कल 5 जिलों के 34 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होगा। इन 5 में से 3 जिलों मालदा, मुर्शिदाबाद और दक्षिणी दिनाजपुर की सीमाएं बांग्लादेश से लगती हैं। इन 3 जिलों के लिए अधिक सुरक्षा बलों की तैनाती इस बात का संकेत है कि निर्वाचन आयोग ने चुनाव के दौरान घुसपैठ रोकने का प्रयास किया है। इसके अलावा अधिक बलों की तैनाती का उद्देश्य मतदान के दौरान किसी प्रकार की हिंसा रोकना तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित कराना है। 24वें और अंतिम जैन तीर्थकर भगवान महावीर की जयंती आज मनाई जा रही है। जैन समुदाय के लिए महावीर जयंती का विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस अवसर पर सभी देशवासियों, विशेषकर जैन समुदाय को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में उन्होंने कहा है कि भगवान महावीर ने अहिंसा परमो धर्म तथा जीव और जीने दो के आदर्श के माध्यम से मानवता को नई राह दिखाई। आइए हम सब उनकी शिक्षाओं का अनुसरण करें व सामूहिक अनुशासन के बल पर कोविड-19 को हराने का संकल्प लें। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अपने संदेश में कहा है कि भगवान महावीर ने अहिंसा, करुणा और निस्वार्थ भाव की अपनी शिक्षाओं के माध्यम से सद्भाव और मानवता की प्रगति का प्रबुद्ध मार्ग प्रशस्त किया। उन्होंने कहा कि कोविड-19 वैश्विक महामारी की स्थिति को देखते हुए मैं अपने सभी देशवासियों से आग्रह करता हूं कि वे इस त्यौहार को घर पर रहते हुए और कोविड स्वास्थ्य तथा स्वच्छता प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मनाएं। गृहमंत्री अमित शाह ने लोगों को महावीर जयंती की बधाई दी है। भगवान महावीर को आत्मसंयम और दृढ़ता तथा सत्य और अहिंसा का शाश्वत प्रतीक बताते हुए उन्होंने कहा कि निस्वार्थ कर्म का उनका संदेश समूचे मानव जाति के कल्याण का मार्ग है। और अब खेल समाचार। आईपीएल क्रिकेट में कल रात मुंबई में राजस्थान रॉयल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हरा दिया। कोलकाता नाइट राइडर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट पर 133 रन बनाए। राहुल त्रिपाठी ने 26 गेंदों में 36 और दिनेश कार्तिक ने 27 गेंदों में 25 रनों का योगदान किया। राजस्थान रॉयल्स ने 18 ओवर और 5 गेंदों में ही 4 विकेट पर 134 रन बनाकर मैच अपने नाम कर लिया। कप्तान संजू सैमसन ने 41 गेंदों में 42 रन बनाकर अपनी टीम की जीत में महत्वपूर्ण योगदान किया। आईपीएल में आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहला मैच मुंबई में दोपहर बाद 3:30 बजे से चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच खेला जाएगा। चेन्नई में दूसरे मैच में शाम 7:30 बजे से सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स आमने सामने होंगे। उधर कैंडी में बांग्लादेश के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के चौथे दिन कल श्रीलंका ने पहली पारी में 3 विकेट पर 512 रन बना लिए हैं। करुणा रत्ने ने 234 और डिसिल्वा ने 154 रन बना लिए हैं और अभी आउट नहीं हुए हैं। बांग्लादेश ने पहली पारी में 7 विकेट पर 541 रन बनाकर पारी घोषित कर दी थी। टेनिस में स्पेन के राफेल नडाल बार्सिलोना ओपन टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गए हैं। सेमीफाइनल में उन्होंने अपने ही देश के पाब्लो करेनो बुस्ता को 6-3, 6-2 से हराया। फाइनल में रफाल का मुकाबला 5वें नंबर के खिलाड़ी स्टेफानोस सिटसिपास से होगा। इंग्लिश प्रीमियर की बात करें तो एवर्टन ने आर्सेनल पर 1-0 से जीत हासिल कर अंतिम 4 में पहुंचने की उम्मीदें बढ़ा दी हैं। एक अन्य मुकाबले में चेल्सी ने वेस्टहैम को 1-0 से हराया। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी के पूर्व अंपायर सुरेश कुमार ठाकुर का कल मोहाली में निधन हो गया। वो कोविड से पीड़ित थे। उन्होंने अजरान शाह कप सहित कई अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैचों में अंपायर की भूमिका निभाई। नईम अख्तर, स्पोर्ट्स डेस्क। कोविड-19 की स्थिति के बावजूद भारत ने पिछले वर्ष कृषि निर्यात में वित्त वर्ष 2019-20 की तुलना में 30% की वृद्धि दर्ज की है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष एम अंगामुथु ने आकाशवाणी से बातचीत में बताया कि पिछले वित्त वर्ष में 1.3 लाख करोड़ रुपए का कृषि निर्यात किया गया, जबकि इसके पिछले वर्ष में यह 1.1 लाख करोड़ रुपए था। उन्होंने बताया कि कोविड महामारी ने भारत को दुनिया भर में विश्वसनीय और पौष्टिक अनाज उपलब्ध कराने का अवसर दिया है। डॉ अंगामुथु ने आशा व्यक्त की कि इस वित्त वर्ष में भारत का कृषि निर्यात 20-30% बढ़ सकता है। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष जैविक उत्पादों के निर्यात में भी 40% की वृद्धि हुई है। डॉ अंगामुथु ने बताया कि यूरोप, अमरीका और पश्चिमी एशिया में जड़ी बूटियों और औषधीय उत्पादों की भारी मांग बढ़ी है और भारत इन उत्पादों के निर्यात के सभी विकल्पों का पता लगाएगा।
राजस्थान ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत अगले साल मार्च तक 30 लाख नल कनेक्शन उपलब्ध कराने की योजना बनाई है। राज्य में 1 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवार हैं, जिनमें से 19% से अधिक को नल के जरिए जलापूर्ति हो रही है। 2020-21 में ग्रामीण क्षेत्रों में करीब 6,77,000 नए नल कनेक्शन उपलब्ध कराए गए थे। जल शक्ति मंत्रालय ने कहा है कि राजस्थान सरकार ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अपने जल जीवन मिशन वार्षिक कार्य योजना प्रस्तुत की। पिछले वित्त वर्ष में जल जीवन मिशन के तहत राज्य को 2,522 करोड़ रुपए की केंद्रीय निधि आवंटित की गई थी। मंत्रालय ने कहा कि चालू वित्त वर्ष में केंद्रीय निधि के रूप में राजस्थान को 5,500 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है। जल जीवन मिशन केंद्र सरकार का एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल के जरिए जल उपलब्ध कराना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और देवेंद्र, अब बताएं कि आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है? जी सिद्धार्थ, कोविड के बढ़ते मामलों के बीच ऑक्सीजन की आपूर्ति तेज करने के लिए किए जा रहे प्रयासों को लगभग सभी अखबारों ने अपनी सुर्खी बनाया है। नवभारत टाइम्स लिखता है, सांसों की डोर बचाने के लिए संघर्ष जारी, 5 दिनों में ऑक्सीजन सप्लाई सुधरेगी, मिशन मोड में लगेगी वैक्सीन। लोकसत्य की सुर्खी है, वायुसेना ने संभाला मोर्चा, देश विदेश से मंगाए जा रहे ऑक्सीजन के कंटेनर। जनसत्ता लिखता है, ऑक्सीजन और टीके के आयात पर सीमा शुल्क से छूट, अमर उजाला के शब्द हैं, सिंगापुर से भारत पहुंचे 4 क्रायोजेनिक ऑक्सीजन कंटेनर। दैनिक भास्कर ने उम्मीद शीर्षक से लिखा है, सैन्य तकनीकी के इस्तेमाल को डीआरडीओ ने दी मंजूरी, तेजस वाली तकनीक से मिलेगी प्राणवायु, जिस तकनीक से तेजस के पायलटों और बेहद ऊंचाई पर तैनात सैनिकों को प्राणवायु दी जाती है वो आम लोगों को भी मुहैया हो सकेगी। हिंदुस्तान ने कुछ अलग शीर्षक से लिखा है, संजीवनी के लिए नए आविष्कारों ने जगाई बड़ी उम्मीद, सीएसआईआर की नई तकनीक के जरिए कोरोना के मरीजों के लिए लगे सिलेंडर में ऑक्सीजन खत्म नहीं होगी। पंजाब केसरी ने एम्स नई दिल्ली के निदेशक डॉ रणदीप गुलेरिया के हवाले से लिखा है, अनावश्यक स्टॉक न करें ऑक्सीजन सिलेंडर और दवाएं, पेट के बल सोने की सलाह दी, कहा इससे ऑक्सीजन प्रवाह बेहतर होगा। जनसत्ता ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के हवाले से लिखा है, रक्षा संस्थानों के अस्पतालों में भी कोरोना के आम रोगियों का इलाज। दैनिक जागरण ने प्रधानमंत्री मोदी की इस अपील को सुर्खी दी है, गांवों में पहुंचने न दें कोरोना, गांव के हर व्यक्ति का टीकाकरण सुनिश्चित करने पर जोर। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। केंद्र ने राज्यों से कहा है कि वे 18 वर्ष से अधिक की आयु के लोगों का टीकाकरण शुरू करने से पहले अतिरिक्त निजी टीकाकरण केंद्र स्थापित करें। भारत 14 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाकर सबसे तेज गति से कोरोना वैक्सीन लगाने वाला देश बन गया है। केंद्र ने सभी राज्यों के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन का आवंटन बढ़ा दिया है। दवा कंपनी भारत बायोटेक राज्य सरकारों को 600 रूपये और निजी अस्पतालों को 1200 रूपये में कोवैक्सीन टीका बेचेगा। जम्मू कश्मीर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के सभी लोगों को निशुल्क कोविड टीका लगाया जाएगा। निर्वाचन आयोग पश्चिम बंगाल में कल विधानसभा चुनाव के 7वें चरण के लिए केंद्रीय बलों की 653 कंपनियां तैनात करेगा। महावीर जयंती आज देशभर में मनाई जा रही है। और आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।